सनौला प्रखंड के तेलवारा स्कूल का मामला है, वही स्कूल जहाँ पे मटन पार्टी हुआ था, जहाँ बीओ साहब पार्टी में शामिल हुए थे। हम वही स्कूल का बात कर रहे हैं जिस स्कूल का प्रिंसिपल का नाम है, वर्तमान प्रिंसिपल का नाम जो है ना श्याम नंदन सर हैं, और जो पूर्व प्रधानाध्यापक थी शीला मैडम, शीला मैडम के आरोप है कि दसवीं का रजिस्ट्रेशन का 525 रुपये के नाम पर 1500 रुपये का उगाही करना, स्कूल से प्रिंटर गायब कर देना, स्कूल से जो है ना जितना भी डिजिटल सामग्री है, कंप्यूटर डेस्कटॉप वाला सामग्री है उसको गायब कर देना, टेबल बेंच में हेर फेर करना, और जो स्कूल में दीवार वगैरह बनाने में या फिर क्लासरूम बनाने में उसमें पैसा का हेरी फेरी करना, MDM में हेरी फेरी करना, बहुत सारा आरोप लगा है। जो अभी के जो करंट प्रिंसिपल हैं श्याम नंदन सर, वो आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराए हैं, हालांकि FIR का पुष्टि भी नहीं करते हैं, FIR दर्ज कराए हैं कि इतना सारा गबन का मामला मैडम के ऊपर है और मैडम ID पासवर्ड नहीं सौंप रही हैं, ये सारा मामला मैडम के ऊपर लग रहा है। कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर आरोप है, इस पर जांच होना चाहिए और मैडम को सस्पेंड किया जाना चाहिए। मैडम को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और मैडम को पीरपैंती के BRC में भेज दिया गया है। मैडम को सस्पेंड करना चाहिए। बच्चों ने भी खूब आरोप लगाया कि मैडम गाली गलौज करती हैं, रेबे करती हैं, और स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल को मतलब गुदांती तक नहीं है, मतलब अपने आप को मतलब कि अपने आप को हीरो समझती हैं, और कहा जाए कि BO साहब को हम कंप्लेन कर देंगे, DO साहब को कंप्लेन कर देंगे, तो मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आरोप हमारा नहीं, ये आरोप बच्चों का है, शिक्षकों का है और प्रिंसिपल सर का है। अब BO साहब से इस मैटर में बात करने के बाद वो कहते हैं कि हमारे संज्ञान में कोई जानकारी नहीं है। बाकी जो DO साहब और जो जिला के जो बड़े अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर ज़रूर संज्ञान लीजिए और स्कूल पर एक बार जो है ना टीम गठित करके जाँच बैठाया जाए ताकि शीला मैडम का और चिट्ठा पुर्जा बाहर निकल सके। और इस तरह से गबन अगर होता रहा तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। बाकी इस वीडियो को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ये उन शिक्षा उन अधिकारियों के पास पहुंच जाए और पहुंचने के बाद इस मैडम के ऊपर जो है ना जांच बैठे, जांच बैठने के बाद जो निष्पक्ष हो वो सामने आ जाए। और कहीं ना कहीं अगर मैडम इसमें सम्मिलित होगी, अगर पैसे का गबन की होगी, सरकारी संपत्ति का गबन की होगी, तो बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।